नमस्कार दोस्तों, समृद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को तोता बनाना बताऊंगी। दोस्तों हमने अपने चैनल समृद्ध क्रिएशन में तोता बनाना आप लोगों को बताया है। हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आई हैं कि तोता बनाना फिर से बताएं और साथ ही तोते का लेग भी बनाना बताएं। तो इस तरह दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों को तोता बताने जा रही हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या सामान लगता है। इसमें पैर को बनाने के लिए हमने इस तरह का तार ले रखा है, लोहे का तार हो और थोड़ा मोटा हो, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह हमने तार लिया है और हमने ग्रीन कलर का ऊन लिया है और बल्ब लिया है, इस तरह का फेविकोल लिया है, रेड कलर का भी इसमें थोड़ा सा ऊन लगेगा ये भाग बनाने के लिए और यहाँ लगाने के लिए। दोस्तों इस पैरट को हमने इस धागे से नहीं बनाया है, इस पैरट को हमने इस कलर के और इस तरह के धागे से बनाया है। ये वेलवेट धागा है, ये मार्केट में ठंडी के दिनों में मिल जाता है। हमने इस पैरट को इस धागे से बनाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। हम इसमें इसके अनुसार जितनी इसकी मोटाई है, इसकी जो मोटाई है चौड़ाई है, इसके अनुसार हम चैन बनाएंगे। और ये 15, हमने 15 चैन बनाए और हमें इसे नाप लेना है। देखिए ये भी इसमें हम एक चैन और लेंगे, ये छोटा है। ये 16, हमने इसमें 16 चैन लिए हैं और अब हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए ये इस तरह से गोल बन गया। और अब हम इसे इस तरह से इसमें बुनाई करेंगे। दोस्तों जो हमने पहले तोता आपको बनाना बताया है उसमें हमने इस तरह से चैन नहीं लिया है, उसमें हमने इस तरह से चैन लिया है। एक ये और ये ऊपर, एक हमने इस तरह से ऊपर लपेट लिया है और उसके बाद इस तरह से फंदे लेकर के 3 फंदों वाला हमने बुनाई आपको बताया है। लेकिन ये तोता मैं आपको 2 फंदों वाला बुनाई बताऊंगी, पर बुनाई बिल्कुल वैसा ही रहेगी, बताने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले बताया है। मैं बिल्कुल वैसा ही बता रही हूँ आपको। इसमें बुनाई 2 फंदों की है और उसमें 3 फंदों की बुनाई हमने किया है। 3 फंदों की बुनाई में जालियाँ थोड़ी बड़ी आ जाती हैं और अंदर जो बल्ब हमने लगाया है वो कहीं कहीं से दिखने लगता है, तो इसलिए हम इसमें 2-2 फंदों की बुनाई करेंगे। इस तरह से हम इसे 2 अंगुल चौड़ाई हम इसकी बुन लेंगे। ये 2 अंगुल है,
इतनी चौड़ाई हम बुन लेंगे। इसी तरह से हम इसे दो उंगल बुनेंगे और 16 फंदों को हमें पूरा पूरा बुनना है, कहीं से हमें घटाना नहीं है। देखिए हमने किस तरह से बुनाई की है। ये जो चैन का दो फंदा है ऊपर, इसे हमें लेना है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा दो फंदा है। दो फंदों के नीचे से हमें रेशिया डालना है और इस तरह से हमें बुनाई करना है। और बुनाई बहुत टाइट नहीं करना है। यदि आपसे बुनाई टाइट आती है तो आप 16 की जगह 18 फंदे लीजिए और फिर बुनाई कीजिए। यदि आपका हाथ ढीला चलता है तो आप 16 फंदे लीजिए। इस तरह से देखिए दो फंदों के नीचे से हमने बुनाई किया है। ये जो चैन बन रहा है, ये चैन के नीचे से हमें फंदे बनाने हैं। ये चैन है और इसके नीचे से हमें फंदे बनाने हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये दो उंगल का हो गया है और अब हम इसे यहाँ नाप कर देखेंगे। इस तरह से हमें नाप कर देख लेना है। ये यहाँ तक आ गया और अब हम इसके आगे फंदा बढ़ा लेंगे। इसमें हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। इसे हम निकाल लेंगे। कि कैसे फंदे इसमें बढ़ाते हैं। देखिए एक जाली में हमने ये बुन लिया और उसी जाली में हम दोबारा फिर इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से एक जाली में हम एक फंदा एक्स्ट्रा बना लेंगे और फिर 5 जाली को हम बुन लेंगे। देखिए यहाँ हमने फंदा बढ़ा लिया और फिर 5 बार हम और बुनेंगे 5 जाली में। देखिए पहला जाली हो गया और ये दूसरा और ये तीन हो गया। चार हो गया और यहाँ 5। ये 5 जाली बुनने के बाद 6वें जाली में फिर 2 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए ये यहाँ हम 2 फंदे बना लेंगे। देखिए ये पहला हो गया, इसी जाली से हम 2 फंदे बनाएंगे। ये पहला जाली हो गया और ये दूसरा। इसी तरह से हम 5 जाली बुनने के बाद 6वें जाली में हम 2 फंदे बनाएंगे या 2 जाली बनाएंगे। देखिए 2, 3, 4 5 और ये 6वां जाली में हाँ फिर से हम 2 फंदे बना लेंगे। एक जाली से 2 फंदे। देखिए ये पहला फंदा बन गया और फिर उसी जाली से हम दूसरा फंदा फिर बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ 5 फंदे बढ़ाएंगे, 4 फंदे या 5 फंदे हम बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने 5 जालियाँ कंप्लीट कर ली और उसके ऊपर हम इसी तरह से बुनते जाएंगे।
दोस्तों हमने 5 जाली बुनने के बाद 6वें जाली में बनाया है और कहीं कहीं पर हमने 3 जाली बुनने के बाद 4th में भी फंदे बढ़ा लिए हैं। यदि फंदे कम हैं तो आप 3 फंदे में भी फंदे बढ़ा सकते हैं, 3 जाली बुनने के बाद भी फंदे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम इसके आगे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। और जब ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक, तो इसके ऊपर हम फिर 8 से 10 फंदे फिर से हम बढ़ाएंगे। यहाँ तक बुनने के बाद हम 8 से 10 फंदे यहाँ तक में बढ़ाएंगे। देखिए ये यहाँ तक है, अभी हमें 6-7 राउंड और बुनने होंगे, उसके बाद हमें यहाँ से फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने फंदे बढ़ा लिए हैं और साइज का भी बन गया है। अब ये इसे हम बनाने के बाद इस तरह से नापते रहेंगे। देखिए ये फंदे बढ़ चुके हैं। यहाँ से यहाँ देखिए, मैं एक बार आपको और बता दें, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 उंगल की बुनाई की और यहाँ से जब हमने यहाँ तक बुनाई किया तो हमने फंदे बढ़ाया और यहाँ से 1 से 1.5 अंगुल बुनने के बाद फिर हम यहाँ से फिर फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ भी फंदे बढ़ा लिए हैं और अब हमें फंदे घटाने हैं और फंदे को हम जब हम फंदे को घटाएंगे तो इसे हम निकालेंगे नहीं, बल्ब को हम नहीं निकालेंगे। और अब हम बल्ब को अंदर सेट करके फंदों को घटाएंगे। जिस तरह से हमने फंदे को बढ़ाया है उसी तरह से हम घटाएंगे, पास पास में नहीं घटाएंगे। 6 से 8 फंदे बुनने के बाद हम घटाएंगे। देखिए ये यहाँ हमने बुनाई किया है, ये फंदे को छोड़कर हम अब यहाँ बुनाई करेंगे, 1 जाली छोड़ेंगे और दूसरी जाली में हम बुनाई करेंगे। देखिए इसमें हमने बुनाई किया और इस जाली को हमने छोड़ दिया और इस जाली में हम बुनाई कर रहे हैं और बुनाई यहाँ से थोड़ी टाइट बुनाई होगी। अब इस तरह से हम 4 से 5 जाली को बुनने के बाद एक फंदा घटा देंगे, 1 जाली को हम घटा देंगे। देखिए यहाँ हमने घटाया है, ये जाली थोड़ी बड़ी दिख रही है, यहाँ हमने घटाया है 1, 2 और ये तीसरा जाली हम बुन रहे हैं। ये 4 हो गए और 4 जाली बुनने के बाद, 4 जाली या 5 जाली बुनने के बाद हम घटा देंगे, 1 जाली को हम छोड़ करके दूसरे जाली में हम बुन लेंगे। इसी तरह से हम बुनाई को कंप्लीट करेंगे और घटाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, 1 उंगल हम और आगे बुनेंगे और उसके बाद हम यहाँ इसके लिए गर्दन फिर बनाएंगे। देखिए अभी हम इसे 3 राउंड और बुनेंगे, उसके बाद हम इसका गर्दन बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको पतले धागे पर इसलिए बता रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि मैं आपको इस तरह के मोटे धागे पर यदि मैं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने कहाँ फंदे घटाए हैं और कहाँ फंदे बढ़ाए हैं, इसलिए हमने आपको पतले धागे पर बताया है बनाने के लिए। देखिए इसमें समझ में आ जाता है कि कहाँ फंदे घटे हैं और कहाँ बढ़े हैं। देखिए यहाँ हमें फंदे घटा लेना है, ऊपर की बुनाई करते समय थोड़ा सा दिक्कत आती है, उसे आप इस तरह से पकड़ करके बुनाई कर सकती हैं।
इस तरह से हमें अभी 3 राउंड और बुनाई करनी है। देखिए दोस्तों, इसे हमने 3 राउंड कंप्लीट कर लिया है और इतना हमने छोड़ दिया है। अब हमें इसका गर्दन बनाना है। ये गर्दन का भाग अब हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम 4 उंगल लंबा बुनाई करेंगे और 4 उंगल लंबा बुनने के बाद हम यहाँ फंदा घटाएंगे और यहाँ अब हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं। जितने फंदे हैं उतने फंदों को अब हमें बुनते जाना है। अब हम यहाँ फंदे नहीं घटाएंगे। और बुनाई टाइट ही रहेगी, ढीली नहीं रहेगी। इसी तरह से हम गोलाई में 4 अंगुल लंबा बुनाई करेंगे। इसे 4 अंगुल हम और बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। इसमें कोई फंदा घटाना नहीं है और ना ही फंदे बढ़ाने हैं। ये इसी तरह से 4 अंगुल हम बुनते जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 3 अंगुल हो गया है और अभी हमें 1 अंगुल और बुनना है। देखिए दोस्तों, ये 4 अंगुल कंप्लीट हो गए और अब हम इसमें फाइबर की रुई, या आपके पास कॉटन की रुई है तो आप कॉटन की रुई भी इसमें डाल सकते हैं। हम अच्छी तरह से रुईया भर लेंगे। और इसे हम बंद कर देंगे। बुनाई करते हुए इसे हम घटा देंगे। इस तरह से 1 फंदे का हम 2 फंदे अब घटाते जाएंगे। एक एक जाली छोड़ करके घटाएंगे और कहीं कहीं हम 2 जालियां भी छोड़ देंगे। इस तरह से इसे घटाते हुए हम बंद कर देंगे।
ये कंप्लीट हो गया। और अब हम इसे सिलाई करेंगे। ये जो धागा है इसे हम इस तरह से फंसा लेंगे। और इसे हम यहाँ से कैंची से काट देंगे। हम इसे इस तरह से कर लेंगे और इसे ये हमने स्वेटर सिलने वाला सुई लिया है उसी से अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ गांठ लगा देंगे और धागे को इस तरह से ना निकाल लेंगे और यहाँ हम कैंची से काट देंगे। दोस्तों मैं आपको ये इसका पंख बनाना बताऊंगी, इसे हमने कैसे बनाया है। ये पंख बनाने के लिए हमने इस पे 15 चैन लिए हैं और 15 चैन के ऊपर हम इसे इस तरह से बुनाई करेंगे। ये एक राउंड हो गया, इसके ऊपर हम इसी तरह से दो राउंड और बुनेंगे और उसके बाद दोनों साइड से
एक एक फंदे घटाएंगे। तीन राउंड बुनने के बाद हम इधर से और इधर से दोनों साइड से एक एक फंदे घटाएंगे और तिकोना पंख बनाएंगे। जैसे ये तिकोना पंख बना हुआ है, इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमने तीन राउंड बना लिया है। यदि आपको और बड़ा पंख बनाना है तो आप इसे पांच राउंड भी बना सकते हैं, चार राउंड पांच राउंड भी बना सकते हैं। और अब हम इसे दोनों साइड से, इधर से और इधर से, दोनों साइड से एक एक जाली हम घटाएंगे। देखिए, अब हम इस जाली को ना बिन करके इसे हम छोड़ देंगे, इस जाली को हम छोड़ देंगे। इसे छोड़ करके हम दूसरी जाली में फंदे बनाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदे, एक एक जाली छोड़ करके और बुनाई करेंगे। इस तरह से बुनाई करेंगे। देखिए, ये एक फंदा हमने इधर से घटाया है और अब हम दूसरा फंदा, जब दूसरा राउंड बुनेंगे तो घटाएंगे। इस बार इस राउंड में हम इधर नहीं घटाएंगे, हम जब इधर इस तरह से जब पलटेंगे उसके बाद हम ये जाली छोड़ करके इस जाली में, इस जाली को छोड़ करके इस जाली में हम बुनाई करेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से घटाते जाएंगे और दो दो राउंड बुनने के बाद हम घटाएंगे। अब देखिए, एक राउंड हमने बुन लिया और दूसरी राउंड में इधर से घटाया और हम दो राउंड सिंपल बुनाई करेंगे। उसके बाद फिर दोनों साइड से एक एक फंदे घटाएंगे। इस तरह से ये पंख, खूबसूरत पंख बन जाएगा। अब हम दो राउंड सिंपल बुनाई करेंगे, इधर से भी नहीं घटाएंगे, इधर से भी नहीं घटाएंगे। दो राउंड बुनने के बाद हम फिर इधर से और इधर से दोनों साइड से घटाएंगे। देखिए, ये इस तरह से तिकोना बनता जाएगा। देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ एक चैन बनाएंगे। इसे हम खत्म कर देते हैं यहाँ, ये बुनाई यहाँ समाप्त हो गई। हमने यहाँ अच्छी तरह से इसे टाइट कर दिया ताकि खुलने ना पाए। और अब हम यहाँ से ऊपर साइड ये चैन बनाते जाएंगे। देखिए, हमने यहाँ गांठ लगा दिया है। यहाँ हम इस तरह से किनारे साइड चैन बनाते जाएंगे ताकि ये जो गांठें दिख रही हैं, ये गांठ ना दिखे। चैन बनाने से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है और गांठ नहीं दिखता है। ये हमें थोड़ा सा ढीला ही बुनाई करना है यहाँ। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ चैन बना लेना है। इसे हम इस तरह से घुमाते हुए, चैन बुनाई करते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा चैन अब कंप्लीट हो गया है।
और अब हम इसमें यहाँ गांठ लगा लेंगे। ये देखिए हमने गांठ लगा लिया है और इसे हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से और यहाँ हम गांठ लगा देंगे। ये इस तरह से पंख बन गया। इस तरह से हम इसे यहाँ से सिलाई कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ से इसकी पूंछ बनाएंगे। जो पूंछ हमने बनाया हुआ है यहाँ से हमने फंदे उठाए हैं यहाँ तक और उसके बाद हमने बुनाई किया है। देखिए यहाँ से हमने फंदे उठाए हैं इस तरह से हम फंदे उठाते जाएंगे। फंदों को हम सिधाई में उठाएंगे। इस तरह से एक फंदा हम और बुनेंगे यहाँ और यहाँ से यहाँ तक हमने बुनाई किया और उसके बाद हम यहाँ से फिर वापस बुनाई करेंगे। इस तरह से बुनाई टाइट करेंगे, ढीली नहीं करेंगे। इसे बुनने में थोड़ा दिक्कत होता है, नीचे रखकर अगर हम बुनाई करेंगे ये आसानी से बुना जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक जो हमने फंदे उठाए हैं उसी पर हम बुनाई करेंगे और उसके बाद दोनों साइड से दो फंदे इधर और दो फंदे इधर से हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये जो पहला जाली है वहाँ हमने इस तरह से बुन लिया और वहीं से हम एक और फंदा बढ़ा लेंगे उसी जाली से। इस तरह से एक ही जाली से हम दो बार बुनाई करेंगे तो वहाँ एक ही जाली से दो बार बुनाई करने से वहाँ एक फंदा बढ़ गया। इसी तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ा लेंगे और जितना लंबा पूंछ इसकी रखनी हो उतनी लंबाई आप बुनाई कर लीजिए। ये देखिए इसकी पूंछ अब तैयार हो गई। हमने यहाँ इसे अब बुनाई बंद कर दी है। इसे यहाँ से हम धागे को काट देंगे और अब हम यहाँ इसका पंख लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी सिलाई कर देंगे। सुई धागे से हम यहाँ से सिलाई करेंगे इसकी इस तरह से।
सेट कर लिया है हमने, और अब हम यहाँ से इस तरह से इसे सिलाई करेंगे। जिस तरह से कपड़े में तुरपाई होती है उसी तरह से हम यहाँ सिलाई करेंगे। और यदि आप सिलाई नहीं करना चाहते हैं तो आप जिस तरह से हमने यहाँ पूंछ में फंदे उठा करके बुनाई किया है उस तरह आप यहाँ भी फंदे उठा करके पंख की बुनाई कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से लगाना चाहते हैं तो इस तरह से बुन करके भी आप सिलाई करके भी पंख लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पंखों को पहले इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर सिलाई कर देंगे। दोस्तों अब हम इसका ये चोंच बनाएंगे, जो बना हुआ है अब हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने ये पहले से ये छोटा सा कैप बनाया हुआ है, इसे हम यहाँ लगा देंगे इस तरह से, और धागे से सिलाई कर देंगे। दोस्तों अब हम आपको इसका लेग बनाना बताएंगे कि पैर हमने इसका कैसे बनाया है। इसके लिए हमने ये तार लिया हुआ है, इसे हम नाप लेंगे 4 4 8 4 12 4 16 4 5 20 4 6 24। इस तरह से हम हाथ से नाप लेंगे, अपने हाथ से हम 24 उंगल नाप लेंगे, और उसके बाद इसे हम जो ज़्यादा बचा हुआ तार है इसे हम काट देंगे। इसे हमने काट कर अलग कर दिया, और देखिए 4 और ये 8 उंगल ये, और 2 उंगल हम और लेंगे, 10 उंगल ले लेंगे, और यहाँ से हम इसे निशान बना लेंगे इस तरह से। यहाँ से निशान बनाने के बाद इसे हम इस तरह से बनाएंगे। इसकी ये जो उंगलियाँ हमने बनाई हैं ये हम इस तरह से बनाएंगे, ये फिर इस तरह से हम मोड़ेंगे, और ये 2 हो गया, 2 बार हमने मोड़ लिया, और ये तीसरी उंगली हम इस तरह से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद इसे हम इस तरह से बना लेंगे। और उसी तरह हम इधर हम 3 उंगल रखेंगे, 1 उंगल इधर आ गया, इधर हमने 1 उंगल ज़्यादा लिया, इधर 3 है, इधर ही हम 1 उंगल ज़्यादा ले लेंगे। इस तरह से 2 उंगल से 2 उंगल का हम यहाँ निशान इस तरह से बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर हम इसी तरह से पैर बनाएंगे। पहले हम इस तरह से मोड़ लिए, फिर इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से बनाने के बाद हम जो ये तार बचा है इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे, और ये इसको हम इस तरह से रख करके ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए ये पैर तैयार हो गया।
और इसमें हम ऊन को लपेट देंगे। ये देखिए, ये हमने ऊन को अच्छी तरह से इसमें लपेट लिया है। यदि ऊन न लपेटते बने तो आप सुई और सुई में धागे डाल करके और उससे आप आसानी से बना सकते हैं। और इसे अब हम यहाँ इस तरह से लगा देंगे। इसे हम फेविकोल से चिपकाएंगे। अब हमें इसकी आंख की जगह ये हमने बिंदी ली है, इसे यहाँ लगा देंगे। दोस्तों ये पैरट तैयार हो गया। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें कमेंट करें। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।